हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज का टॉपिक है विराफिन। विराफिन इज अप्रूव्ड बाय डीसीजीआई एज एन इमरजेंसी रेस्ट्रिक्टेड अप्रूवल फॉर कोविड ट्रीटमेंट। सो कल इसको अप्रूवल मिला फॉर कोविड ट्रीटमेंट एट अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। सो चलिए इसके बारे में जानते हैं कुछ फैक्ट्स, इसकी डोजिंग, इसका मैकेनिज्म एंड इसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स। सो लेट्स मूव। अभी आपने देखा होगा कि न्यूज़ में है कल से जाइडस एंटीवायरल ड्रग विराफिन गेट इमरजेंसी अप्रूवल टू ट्रीट मॉडरेट कोविड पेशेंट्स। और इसको इमरजेंसी नॉड मिला। इसका दूसरा नाम है पिगाइलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2b। अभी इसके बारे में बात करेंगे कि ये पिगाइलेटेड क्या है, INF2b क्या है, और ये कोविड ट्रीटमेंट में कैसे काम कर रहा है और कैसे इफेक्टिव है। फाइन। सो अभी कुछ विराफिन के फैक्ट्स देखते हैं। फार्मा कंपनी जाइडस कैडिला की एक ड्रग है विराफिन, जिसको कि रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिला इंडिया में फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मॉडरेट कोविड-19 इन्फेक्शंस इन एडल्ट स्पेशली। उन्होंने ये देखा कि दैट द पेशेंट्स हु आर विद विराफिन इज शोइंग लेसर नीड फॉर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। अभी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या हो रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है कहीं भी। जो पेशेंट्स में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आ रहा है, फेलियर हो रहा है, डेथ हो रही है, मॉर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। सो इस ड्रग ने ये प्रूव किया है कि इसको लेने के बाद लेसर नीड ऑफ सप्लीमेंटल ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा ऐसे पेशेंट्स को, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंजिंग इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। सो अगर मैं इसका अभी और एक फैक्ट देखूं, दिस इज़ नॉट अ न्यू मॉलिक्यूल। पिगाइलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2 बीटा जो थेरेपी है, ये दिस हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम जाइडस अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी एंड सी पेशेंट्स, और वो भी क्रॉनिक केसेस में ये ट्रीटमेंट बहुत ही इफेक्टिव है, जो कि पहले से चला आ रहा है। सो इट्स नॉट न्यू, बट दे हैव फाउंड इट अ सिग्निफिकेंट रोल अगेंस्ट SARS-CoV-2। सो दे हैव बिकॉज दैट कंपनी इज इन फेज 3 ट्रायल, दो ट्रायल्स का रिजल्ट बहुत अच्छा है, दैट इज वाई दे हैव गॉट एन इमरजेंसी अप्रूवल। सो इट्स नॉट अ न्यू, दे हैज बीन यूज मैनी ईयर्स अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी एंड सी पेशेंट्स। सो अभी मैं आपको जैसे बताया, ये पिगाइलेटेड इंटरफेरॉन है, INF। सो पिगाइलेटेड इंटरफेरॉन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं पहले तो आप ये बेसिकली सुनो। INF क्या होता है, जब कोई भी एंटीजन, कोई फॉरेन पार्टिकल लाइक बैक्टीरिया और वायरस जब हमारे बॉडी में अटैक करता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इम्यून सिस्टम अपने इम्यून प्रोटीन रिलीज करना स्टार्ट करता है, स्पेशली द साइटोकाइंस। एंटी इन्फ्लेमेटरी, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होते हैं जो कि रिलीज होते हैं और अपने इम्यून सेल्स को बोलते हैं कि अपना फाइटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट करें। सो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं और वायरस के या बैक्टीरिया या जो भी फॉरेन मटेरियल है उसके अगेंस्ट काम करते हैं। सो ये होते हैं INF, ठीक है। उसमें से वन है एक INF। सो INF इंटरफेरॉन है, जो कि नॉर्मली अगर आप देखोगे तो इस टाइप से होगा, बट विराफिन जो कि जाइडस ने इसको क्या किया, इसको PEG पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल के एक पॉलीमर में कई सारे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर दिया, फिर उसको डिलीवर कर रहे हैं। सो ये खुद की प्रोटीन है, दिस इज़ नॉट अ ड्रग। इट्स नॉट लाइक फ्लैबी फ्लू और एजिथ्रोमाइसिन और पैरासिटामोल। इट्स अ प्रोटीन मॉलिक्यूल जो आपको दिया जा रहा है, जो आपकी बॉडी खुद बनाती है फाइट बैक करने में। सो अभी ये क्यों दिया जा रहा है और कैसे काम कर रहा है, अभी ये देखते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, इन्होंने देखा कि पेशेंट्स में रिकवरी बहुत फास्ट हो रही है, और एज़ कंपेयर टू दो जो अदर एंटीवायरल एजेंट्स हैं सच एज फ्लेबी फ्लू जो कि अभी दिया जा रहा है, उसके कंपैरिजन में दिस पिगाइलेटेड INF इज़ वेरी इफेक्टिव। बहुत इजी है देना, अफोर्डेबल है, सिंगल डोज लगती है इसकी, सो रिकवरी फास्ट है, इसीलिए इसको इमरजेंसी अप्रूवल मिला। अब अगर हम देखें कि ये ड्रग को कैसे लिया जाएगा, सो इट इज़ अवेलेबल इन इंजेक्शन। अभी ये हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हो जाएगा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स ओनली, नॉट फॉर द जनरल पब्लिक। देन इट विल बी गिवन एज अ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, एंटीवायरल वारफारिन, और ये स्लोली स्लोली डिफ्यूज होगा, बिकॉज सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर ये इंजेक्ट किया जाएगा,
और ये स्लोली डिफ्यूज होगा और अपने इम्यून सिस्टम को फाइट बैक करने के लिए अगेंस्ट कोविड मैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अभी मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताऊं कि दिस मॉलिक्यूल ये वर्क कैसे कर रहा है, बिकॉज आपने देखा फ्लैबी फ्लू क्या करता है, वो वायरस के रेप्लिकेशन को रोकता है, करेक्ट, उसके आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को रोकता था, बट ये वायरस के रेप्लिकेशन को नहीं रोक रहा है, ये हमारे इम्यून सिस्टम जो फाइट बैक करता है उसी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अगर आप इस इमेज को देखो, वायरस का इन्फेक्शन हुआ सेल में, वायरस का आरएनए अंदर आया और उसने आईएनएफ जीन को एक्टिव कर दिया, आईएनएफ जीन एक्टिव हो गया और आईएनएफ बाइंड किए रिसेप्टर्स पे और उसने एंटीवायरल प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर दिया सो दैट कि जो वायरल्स पार्टिकल मल्टीप्लाई हुए थे उनको डिस्ट्रॉय कर सके। तो ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, बट एजिंग में क्या होता है, आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी आईएनएफ जीन को सिंथेसाइज एक्टिवेट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। सो ये माना गया कि ये पिगाइलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2b जो दिया जा रहा है दैट विल इंक्रीज द रिलीज ऑफ आईएनएफ जीन, आईएनएफ बाइंड टू द रिसेप्टर्स और ये कोविड के अगेंस्ट फाइट करेगा एंड द रिजल्ट्स आर देयर। सो अब ये करेगा क्या, इट इनहिबिट सेलुलर ग्रोथ, ऑल्टर द स्टेट ऑफ सेलुलर डिफरेंशिएशन, ऑल्टर सेल सरफेस एंटीजन एक्सप्रेशन सो दैट की जो कोविड वायरस अटैच करेगा उसको किल करने में हेल्प करेगा। फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल में है, दे हैव शोन अ बेटर सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। डेटा इनका ये बोलता है कि जो वेराफिल्म पे पेशेंट थे उनका रिकवरी का चांस 7 डेज के अंदर 80.36% रहा। अगर वही पेशेंट नॉर्मल एंटीवायरस या फिर एंटीवायरल ड्रग्स पे होते तो उनका रिकवरी का चांस 68.12 था। सो देयर इज़ अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट, सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स, दैट इज़ व्हाई दिस ड्रग इज़ गेटिंग अप्रूवल फॉर कोविड ट्रीटमेंट। नाउ सम साइंटिफिक बैकग्राउंड ऑफ द जाइडस, जाइडस ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसने इस ड्रग का अप्रूवल किया है, दिस जाइडस इज ऑल्सो शोइंग अ वेरी प्रॉमिसिंग रोल इन वैक्सीन ऑल्सो। सो अगर मैं आपको वैक्सीन के बारे में बताऊँ इसका, तो जायकोव डी ये वैक्सीन अभी मार्केट में हिट करेगा मई और जून में, बिकॉज ये क्लिनिकल ट्रायल 3 में चल रहा है, अराउंड 3000 वॉलेंटियर्स, द रिजल्ट्स इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड एंड फेज 1 और फेज 2 ट्रायल में दे हैव शोन अ वेरी गुड सेफ्टी प्रोफाइल। सो जाइडस वैक्सीन इज विल गोइंग टू हिट द मार्केट इन मई एंड जून। सो ओवरऑल आई कैन से आई गेस द विराफिन कॉन्सेप्ट और ये है क्या, ये कैसे काम करेगा, अभी ये मार्केट में पेशेंट्स को अवेलेबल होगा। सो आई गेस द होल मैकेनिज्म, द थीम हैज़ बीन क्लियर। सो द टेक होम मैसेज इज विराफिन एक एंटीवायरल ड्रग है दैट इज बीन अप्रूव्ड फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट एज अ रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी अप्रूवल। ये अगर आपको मिलेगी देन इट शुड बी एडमिनिस्टर्ड सबक्यूटेनियस इंजेक्शन सिंगल डोज, रिमेंबर सिंगल डोज सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। रिजल्ट्स आर वेरी गुड, 91.15% इम्प्रूवमेंट मिला है विद इन 7 डेज अगर ये स्टार्ट हो जाता है आपका अर्ली फेज ऑफ इन्फेक्शन में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका INF 2B प्रोटीन का है बिकॉज दे इट्सेल्फ इज अ INF 2B प्रोटीन। सो आई गेस दिस विराफिल मैकेनिज्म हैज़ बीन क्लियर, आई होप दिस विराफिल मॉलिक्यूल विल बी quickly available to the hospitals, to the patients, so that कि जो patients को oxygen supplement का कमी हो रहा है, respiratory distress हो रहा है, ये molecule जल्दी से आए, we'll get the result कि for example Tamiflu का results आया, remdesivir का आया, so अभी हमको इसके भी results और outcomes देखने को मिलेंगे बहुत ही जल्दी। so thank you for watching this video, I hope the concept of Virafin has been clear, so stay home, stay safe, wear a mask, thank you for watching.